नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास टावरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR 1 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 26S किस तरह से चेक करें, किस तरह से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे और ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। ITR 1, ठीक है दोस्तों, या ITR लॉगिन करो, ITR 1 करो। दोस्तों, मैं ITR 1 लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो incometax.gov.in के साइट पर ले जाएगा, जो नीचे लिखा है eportal.incometax.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। या भी यहाँ पर अभी हमको लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपका पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डाल देने के बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है, राइट टिक हो जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी कंटिन्यू कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, फॉर्म 26S डाउनलोड करने के लिए जो लॉगिन यहाँ पर ऊपर देखो दोस्तों, यहाँ जो टाइमर चल रहा है, टाइमर के बाजू में लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन के बाजू में तीन लाइन दिख रही है जो राइट साइड में है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट आती है, तो दोस्तों यहाँ पे ई फाइल का जो कॉलम है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो फिर आता है, ये 1, 2, 3, 4 नंबर का ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26S, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमको कन्फर्म कर देना है, तो ये कौन से साइट पर ले जाएगा, service.tdscpc.gov की साइट पर ले जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S। तो दोस्तों लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक टिक, जो यहाँ पर टिक मार्क करना देना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीड होने के बाद में फिर अभी हमको व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों थोड़ा मैं बड़ा करके बता देता हूँ, और फिर यहाँ पर देखो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, मैं और बड़ा करके बताता हूँ। तो हमको असेसमेंट ईयर डाल देना है। तो दोस्तों हमारा असेसमेंट ईयर 2022-23, और यहाँ पे हमको किस में देखना है, टेक्स में देखना है कि HTML में, तो दोस्तों आपको HTML में ही देखना है, ठीक है। और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये देखो हमारा फॉर्म 26S यहाँ पर नज़र आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर क्या हुआ, टोटल अमाउंट जो हमारे द्वारा पेड किया गया 629,734, और हमसे डिडक्ट हुआ है 20 रुपये, और डिपॉजिट भी हो गया 20 रुपये। तो दोस्तों, और अगर आपको इस फॉर्म के अंदर और कुछ देखना है तो यहाँ पे TCS भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर टोटल टैक्स कलेक्टेड, टोटल TCS डिपॉजिट यहाँ पर 00 है, लेकिन टोटल TDS, टोटल ट्रांजैक्शन डिडक्शन, तो दोस्तों इस फॉर्म के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने कोई पेमेंट कर दिया हो, आपके ऊपर टैक्स आया हो, तो ये BSR कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट है, चालान नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पे टोटल आ गया है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर टैक्स निकला, या आपने TCS कलेक्ट किया है या TDS कलेक्ट किया, तो एक बार इस फॉर्म को देखना ज़रूरी है। अगर आपके कुछ जो डिडक्शन है मिसमैच हो गया, तो आप उसको सुधार कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको 26AS फॉर्म एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।